हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक। सो आज का वीडियो है एक DIY वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल सी DIY होम रेमेडी फॉर एक्नेस, फॉर ट्रीटिंग एक्नेस एंड डार्क स्पॉट्स। बट उससे पहले आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे करना है लाइक, और साथ ही साथ शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा उसे हिट कर देना है जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेमेडी है उसमें हमें चाहिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही इजीली आप हम सभी के घर पे अवेलेबल हैं। तो जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी पतंजलि का कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, या फिर जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। और जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है कैम्फर। गाइस, कपूर बहुत ही ईजिली सबके घर पर अवेलेबल होता है, और अगर नहीं है तो ये किसी भी लोकल शॉप पे, किसी भी जनरल स्टोर पे, या फिर मंदिरों के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और ये जस्ट 5 रुपीज़ का आता है। तो ये बहुत ही चीप है और बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स बता देती हूँ। सो गाइस, कोकोनट ऑयल जो होता है वो रिच इन वाइटामिन ई होता है, और रिच इन वाइटामिन ई होने की वजह से ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा सूद करता है, बहुत ज़्यादा काम डाउन करता है, और जो भी हमारे स्किन में जो सीबम एक्सक्रीट होता है उसे बैलेंस करता है, और साथ ही साथ जो हमारे क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उसे भी क्लियर आउट करता है। और जो कैम्फर होता है गाइस, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये जब हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो जो भी रेडनेस होती है या जो भी इचिंग प्रॉब्लम होती है उसे सूद करता है, काम डाउन करता है, एंड स्वेलिंग को रिड्यूस करता है, और हमारी स्किन को ब्रेकआउट से बचाता है। सो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे रेमेडी के लिए 2 ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल। मैं अप्रॉक्सीमेट 1/2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, एंड कैम्फर मैं एक पिंच यूज़ करूँगी, अ पिंच ऑफ कैम्फर, एंड मैं इसे क्रश करके इसमें मिक्स करूँगी, एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गाइस, एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी मेटल यूटेंसिल या कोई भी मेटल कटलरी इसमें नहीं यूज़ करनी है। मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी प्लास्टिक का स्पैचुला ले सकते हो, और इसे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि कपूर के जो भी ग्रेन्स हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको इसे अप्लाई कैसे करना है, अपने फेस को किसी भी माइल्ड क्लेंजर से वॉश कर लेना है, एंड पैड ड्राई कर लेना है, रब नहीं करना है स्किन को बिल्कुल भी, एंड विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बॉल आप इसे अपने जो भी अफेक्टेड एरियाज हैं, जहाँ पे भी आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, या फिर आप इसे अपने पूरे फेस पे भी, ओवरऑल फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, एंड इसे ओवरनाइट लगा के रखना है, एंड सुबह आपको ल्यूक वॉर्म वाटर से किसी माइल्ड क्लेंजर के साथ अपने फेस को वॉश करके पैड ड्राई कर लेना है, और फिर अच्छे से इसे अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेना है। कोकोनट ऑयल इज हाईली पेनिट्रेटिंग, एंड वेन वी अप्लाइड ऑन आवर स्किन इट क्विकली गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड इमीडिएटली रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन फ्रॉम आवर एक्ने। सो ये हमारे एक्ने को तुरंत ही उस पर काम करता है, एंड हमारी स्किन जो है वो बहुत सूद, बहुत काम हो जाती है, एंड कैम्फर की वजह से जो स्वेलिंग होती है या जो रेडनेस होती है, जो भी बैक्टीरिया होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है कैम्फर में, तो वो उसे जल्दी से रिड्यूस कर देता है। सो गाइज, आई टू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, एंड मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है एक्ने की प्रॉब्लम से, स्पेशली समर्स में एक्सेस सीबम होने लगता है, तो जो फेस पे एक्ने होते हैं वो उसके अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो डार्क स्पॉट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने पर्सनली इस ट्रीटमेंट को अप्लाई किया हुआ है, एंड इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि इसको बस आपने आज लगाया और कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, बट हाँ, कंस्टेंटली अगर आप इसे 1 मंथ तक यूज़ करते हो तो जो आपकी एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, आपके फेस पे जो इम्बैलेंस ऑफ सिक्रेशन ऑफ सीबम है वो बैलेंस आउट हो जाएगा, जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, चिकन पॉक्स के जो भी मार्क्स हैं, या फिर और भी कोई भी मार्क है आपके स्किन पे, तो वो फेड आउट हो जाएंगे, लाइटन होने लगेंगे, एंड टाइम के साथ धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाएंगे। तो ये रेमेडी जो है ये विंटर्स के लिए बिल्कुल आइडल है, बिकॉज ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है, एंड साथ ही साथ जो ऑयली स्किन वाले हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समर्स में ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका फेस वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयल से एकदम भरा होता है, एंड जो सीबम का सेक्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि यार वैसे ही स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल है, एंड इस रेमेडी को अप्लाई करके और ऑयल आ जाएगा स्किन पे।
सो विंटर्स में आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कैम्फर जो है आपके जो फेस पे जो सीबम होता है उसे बैलेंस करने में मदद करता है, एंड साथ ही साथ अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो डेफिनेटली ये रेमेडी वर्क करेगी। एंड गाइस, अगर आपके स्कैल्प में हैवी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, आपको हैवी डैंड्रफ का इशू है, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो अपने स्कैल्प पे। जैसे इसको मसाज करना है लाइट हैंडेडली अप टू 5 मिनट्स, एंड ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, एंड मॉर्निंग में किसी भी माइल्ड शैम्पू से इसे वॉश कर लेना है ल्यूक वॉर्म वाटर के साथ। ध्यान रखिएगा वाटर सिर्फ ल्यूक वॉर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि गर्म पानी यूज़ करने से जो है हमारा स्कैल्प जो है फ्लेकी हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, जिससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा अपने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। See you in my next video. Until then, take care and be beautiful. Bye bye.